हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक जो है कैसे आप इंस्टॉल करेंगे टेलीग्राम आपके पीसी या लैपटॉप में। यहाँ पर मैं टेलीग्राम, मैं जैसे TELE लिखा तो ऊपर आप देखेंगे कि टेलीग्राम का एक आइकॉन आ गया इधर, और ओपन में मैं करता हूँ तो वैसे ही मेरा ये जितने भी ग्रुप्स हैं मुझे देखने लगते हैं। इवन पर्सनल चैट्स एंड ग्रुप्स आप देख सकते हैं। अभी मान लीजिए मुझे इसमें से आपको कुछ फाइल्स भेजनी है, या कुछ फाइल्स इसमें जो ऑलरेडी किसी ने भेज रखी है उसे डाउनलोड और रखना है अपने कंप्यूटर में, तो उसे किस तरह से रखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये इंस्टॉल आप कैसे करेंगे। को दूसरे मोबाइल नंबर से दूसरा टेलीग्राम इंस्टॉल करके बताता हूँ। सबसे पहले करना ये होगा कि आप कोई भी आपका जो ब्राउजर है वो ओपन करेंगे, फिर उसमें लिखेंगे TELEGRAM फॉर पीसी। ठीक है, अब जैसे ये करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टेलीग्राम डेस्कटॉप यहाँ पर एक आ गया है। सबसे पहले पेज पर ही हम उसे प्रेस करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो टेलीग्राम का पर्सनल साइट है जिसमें गेट टेलीग्राम फॉर विंडोज लिखा है, पोर्टेबल वर्जन फॉर विंडोज। मैं ये करूंगा कि गेट टेलीग्राम फॉर विंडोज कर दूंगा। यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन आ गया, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब देख लेते हैं कि ये कैसा दिखेगा सेटअप। यहाँ पर आप देखेंगे कि एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ये एप्लीकेशन जो है इसे आपको डबल क्लिक करना है। आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए आपको जो चाहिए, और फिर ओके। इसे ब्राउज करके आप कहीं भी रख सकते हैं, सी ड्राइव जो कि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, आप जैसे इसको भी ब्राउज कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार्ट मेनू फोल्डर, आप स्टार्ट मेनू का फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पर इसे सेव करना चाहते हैं, तो फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं डोंट क्रिएट ए स्टार्ट मेनू फोल्डर, या आप रखना चाहते हैं तो इसे अनचेक रखेंगे, मतलब यहाँ पर कोई भी चेक बॉक्स नहीं होगा, और नेक्स्ट करेंगे। क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट और इंस्टॉल। एंड लॉन्च टेलीग्राम। अब यहां लिखा हुआ है स्टार्ट मैसेजिंग, मतलब लैपटॉप में जो टेलीग्राम आपने इंस्टॉल किया है नंबर डाल देना पहले। आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक लॉगिन कोड आ जाएगा, वो कोड आपको यहां पर डालना है। तो ये इस तरह से खुल जाएगा टेलीग्राम आपके लैपटॉप पे। अभी आप किस तरह से फाइल डालेंगे, आप मान के चलिए कि ये फाइल मुझे यहां पर भेजनी है विनोद कैनी को। मैं क्या करूंगा कि पहले मेरा जो जिसको भी या ग्रुप में सेंड करना चाहते हैं तो आप ग्रुप ओपन करके फिर बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक सर्कल जैसा निशान दिखेगा, आपको उसे दबाना है। और उसके बाद फिर आपने जहाँ सेव की है फाइल, उस फाइल को उठाकर ओपन करके आप सेंड कर देंगे यहाँ पर सेंड, तो ये इस तरह से सेंड हो जाएगा। अब मान के चलो कि आपको ये फाइल जो है आपके कंप्यूटर में डालनी है, किसी और ने भेजी ये फाइल, ये आपको आपके कंप्यूटर में डालनी है, तो क्या करोगे, राइट क्लिक करके सेव फाइल एस, और फिर आपको जहां सेव करनी है, और यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूं टू। ठीक है, और बाद में मैं यहां जहां भी सेव करनी है उसको सेव कर लेता हूं, तो आप देखेंगे कि यही सेम फाइल यहां पर एक सेव हो गई है। इस तरह से आप आपके जो लैपटॉप में ये आप टेलीग्राम से
फाइल डालेंगे या लेंगे, या आपको मान के चलिए कि कोई ऐसी फाइल भेजनी है जो कि मुझे एलईडी ट्रेनिंग मैनुअल भेजना है ये वाला, सो मैं क्या करूँगा, ओपन करके यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लूंगा और सेंड। सो आप फाइल भी सेंड कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं, आप फोटोस अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने ये फोटो अपलोड कर रखी है। सो आप एवरीथिंग इस एक टेलीग्राम से कर सकते हैं। पीसी में ही आपका सॉफ्टवेयर रहता है और पीसी से ही डायरेक्टली आप टेलीग्राम इंस्टॉल करके डाल सकते हैं। अभी मैं आपको ग्रुप कैसे चलता है वो बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि टेलीग्राम डेस्कटॉप ऐप है ऑलरेडी, मेरा ये दूसरा टेलीग्राम है जो कि मैंने इसमें डाल रखा है। अब ये मेरा ग्रुप है, अभी ये ग्रुप में मुझे मैसेजिंग करनी है तो मैं यहाँ राइट मैसेजिंग कर दूंगा डायरेक्टली, और अगर जो कोई फाइल भेजनी है तो ये सर्कल वाला जो निशान है इसे मुझे दबाना होगा। फाइल ले सकते हैं, कुछ फोटोज हैं, बिन फाइल्स, एवरीथिंग आप एक कंप्यूटर में से ही दूसरे को भेज सकते हैं, ग्रुप में भेज सकते हैं। मेरे ग्रुप मेंबर्स को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये जो फाइल्स थी ये वो सेव और डाउनलोड या अपलोड नहीं कर पा रहे थे इसमें से। तो ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आप सभी के काम आएगा, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिर से मैं आपको एकदम कंक्लूजन में बता देता हूँ, कंक्लूड करते हुए छोटे से उसमें कि किस तरह से सारी फाइल्स की जाएगी। सबसे पहले ये सर्कल वाले निशान को आपको दबाना है, फाइल्स कलेक्ट करनी है। फाइल्स लेने के बाद फिर बाद में आप जहाँ भी आपने सेव की हो उस फाइल को आप ले लेंगे पहले, और फिर बाद में आप जैसे मेरी ये फाइल, कुछ फाइल्स मैंने इसमें स्टोर कर रखी है, जैसे कि ये ओनिडा की फाइल है। मैं क्या करूंगा कि ये वाली जो फाइल है इसको ओपन करके जब मैं यहाँ पर आता है तो यहाँ लिखा होगा कि ये फाइल का नाम होगा। आप कभी भी सेव करते हैं तो नाम डालना मत भूलिए फाइल का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन से मॉडल की फाइल है। तो आप यहाँ मॉडल नंबर लिख सकते हैं और आप चीजिस नंबर भी इसके साथ ही लिख सकते हैं ताकि फाइल पहचानने में आसानी हो, और बाद में आप सेंड कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ फाइल ये सेंड हो रही है, सो ये ग्रुप में सभी को मिल जाएगी। ये आपने देख लिया किस तरह से लेते हैं। अभी इसी फाइल को, अभी मान के चलो कि कोई और कंप्यूटर से ये फाइल कोई लेना चाहता है, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, माउस से राइट बटन दबाएंगे, सेव फाइल एज, और सेव फाइल एज बाद में मैं मान के चलो कि मैं ये फाइल को डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ। आपको जहां पर आपने सेव करना है वहां सेव कर लेना है। आप देखेंगे कि ये फाइल सेव हो जाएगी और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फाइल यहाँ पर सेव हो गई, जिसकी फाइल साइज है यहाँ पर 4 MB बता रहा है, और ये टाइप ऑफ फाइल इज बिन फाइल। इस तरह से आप फाइल्स ले भी सकते हैं और अपने कंप्यूटर में किसी की भेजी हुई फाइल को डाउनलोड करके यहाँ रख भी सकते हैं। आप ये कीवर्ड याद रख लें, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक, स्पेलिंग भी आपको ऐसे रखनी है, MAGIC CARE इलेक्ट्रॉनिक्स, आप ये जैसे डालते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ सब्सक्राइब्ड है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सब्सक्राइब करने के लिए करना ये होगा कि यहाँ पर ये जो रेड बटन है आपको सब्सक्राइब का बटन, इसको दबाना है, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि सब्सक्राइब्ड, सब्सक्रिप्शन एडेड, और यहाँ नोटिफिकेशन की जो घंटी है इसके ऊपर जो निशान दिख रहा है ये आपने नोटिफाई कर रखा है ऑलरेडी। अगर जो आपका घंटी का निशान ऐसा है तो आपको खाली ओकेजनल नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पे, लेकिन जैसे ही आप ये निशान दबाते हैं तो आप देखेंगे कि यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशंस लिखा हुआ आ जाएगा। दैट मीन्स आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब कर रखी है और आपको सारे नोटिफिकेशंस मेरे न्यू वीडियो के, जैसे कि मैंने अभी ये वीडियो बनाया अपलोड किया, आपको तुरंत ही ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखने मिलेगा कि मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से एक वीडियो आया है, आपको ये देखना चाहिए। आप सबसे पहले मेरा वो वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स ए लॉट ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, और वोट करने जरूर जाइए, अपने देश को सुधारने में आपका ये एक वोट बहुत काम देगा। इलेक्शन जहां भी है आज, जैसे कि आज गुजरात में है, तो गुजराती सभी को मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वोटिंग जरूर करने जाए। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।